हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 5 ऑफ थर्ड क्लास ईवीएस, छोटूस हाउस। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम छोटूस हाउस के बारे में जानेंगे। पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, जब उसने पाइप को देखा तो छोटू ने क्या सोचा। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप, जब उसने पाइप को देखा, जब उसने पाइप को देखा तो छोटू ने क्या सोचा। व्हाट डिड छोटू थिंक, तो छोटू ने क्या सोचा। इसका आंसर आ जाएगा, छोटू थॉट दैट ही कैन टेक शेल्टर इन द पाइप अस आई वुड सेव हिम फ्रॉम द डस्ट वाइंड रेन एंड कोल्ड। छोटू ने सोचा, छोटू थॉट दैट द कैन, छोटू ने सोचा कि वह पाइप में शरण ले सकता है क्योंकि यह उसे धूल हवा बारिश और ठंड से बचाएगा, ठीक है। क्योंकि यह उसे धूल हवा बारिश और ठंड से बचाएगा, डस्ट मींस होता है धूल, ठीक है, इन सब से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू ने पाइप का इस्तेमाल कैसे किया। हाउ डिड छोटू यूज द पाइप, छोटू ने पाइप का इस्तेमाल कैसे किया। इसका आंसर आ जाएगा, छोटू लुक्ड शेल्टर इन द पाइप, छोटू ने पाइप में शरण ली, ठीक है। छोटू लुक्ड शेल्टर द पाइप, छोटू ने पाइप में शरण ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इनटू व्हिच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, छोटू ने पाइप और उसके आसपास के क्षेत्रों को किन भागों में विभाजित किया। इनटू व्हिच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू ने पाइप और आसपास के क्षेत्रों को किन भागों में विभाजित किया। सराउंडिंग एरिया, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में किन भागों में विभाजित किया। इसका आंसर आ जाएगा, ही डिवाइडेड इन, ठीक है, ही डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट में दिया गया है, उन्होंने इसे विभाजित किया, फर्स्ट में दिया गया स्लीपिंग एरिया, स्लीपिंग एरिया में। नेक्स्ट देखते हैं, कुकिंग एरिया, पाकला क्षेत्र में, क्लॉथ ड्राइंग एरिया कपड़ा सुखाने वाला क्षेत्र, क्लॉथ ड्राइंग एरिया कपड़ा सुखाने वाला क्षेत्र। फोर्थ में दिया गया वाटर स्टोरेज एरिया, जल संग्रहण क्षेत्र जहां पर जल का स्टोरेज किया जाता है उस क्षेत्र में। और फिफ्थ नंबर पे दिया गया गेस्ट सिटिंग एरिया, गेस्ट मतलब होता है अतिथि बैठने का क्षेत्र, सिटिंग मीन्स होता है बैठना, अतिथि के बैठने की क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में बताया गया है, इन व्हिच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ His life। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, इस घर के किस हिस्से में छोटू अपना ज्यादातर समय बिताना पसंद करेगा। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस, इस घर के किस क्षेत्र में विल छोटू लाइक स्पेंड मोस्ट हिज टाइम। इस घर के किस क्षेत्र में छोटू अपना ज्यादातर समय बिताना पसंद करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा, ही वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अराउंड द गेस्ट सिटिंग एरिया। वह अपना अधिकांश समय अतिथि बैठे क्षेत्र में बिताना चाहते हैं। अराउंड द गेस्ट सिटिंग एरिया, जहां पर अतिथि बैठते हैं वहां पर अपना समय बिताना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, Why do you think
छोटू इनवाइट मोनू टू लाइव विथ हिम इन ही इन द पाइप। आपको क्या लगता है, व्हाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि छोटू ने मोनू को पाइप में उसके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया? इसका आंसर आ जाएगा ही इनवाइट मोनू टू लाइव विथ हिम इन द पाइप बिकॉज ही सॉ मोनू सर्चिंग फॉर अ शेल्टर। अल्सो छोटू वुड फेल बेटर इफ हैज अ कंपनी एट होम। उसने उसने मोनू को अपने साथ उसने मोनू को अपने साथ पाइप में रहने के लिए आमंत्रित किया। पाइप में बिकॉज ही सॉ मोनू सर्चिंग फॉर अ आमंत्रित किया। उसने मोनू को अस्त्र खोजते हुए देखा। इसके अलावा छोटू के लिए बेहतर होगा कि वह घर पर कंपनी बनाए। इसके अलावा छोटू वुड फील बेटर इफ ही हैज कंपनी होम। इसके अलावा क्या छोटू के लिए बेहतर होगा कि वह घर पर कंपनी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बताया गया है, हु आर लाइव विथ यू इन योर हाउस। आपके घर में आपके साथ कौन रहता है? हु आर लाइव विथ योर इन योर हाउस। आपके घर में आपके साथ कौन रहता है? इसका आंसर आ जाएगा इन माई हाउस अलाइव विथ माई ब्रदर, फादर टू ब्रदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा मेरे घर में मैं अपनी माँ, पिता, मदर, फादर एंड दो भाई, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, दादा और दादी के साथ रहता हूँ। इन माई हाउस आई लिव विथ माई मदर, माँ के साथ, फादर पिता के साथ एंड टू ब्रदर दो भाई के साथ, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। ठीक है, अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में बताया गया है छोटू डिवाइड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। क्वेश्चन नंबर सेवन में बताया गया है छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। छोटू डिवाइड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। राइट एंड नेम द ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। अपने घर के विभिन्न हिस्सों के नाम लिखिए। अपने घर के विभिन्न हिस्सों के नाम लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा ड्राइविंग रूम, ड्राइविंग रूम, डिनिंग रूम, स्टडी रूम, किचन, स्टडी रूम, बेडरूम, टॉयलेट एंड बाथरूम। किचन, स्टडी रूम, बेडरूम और टॉयलेट और बाथरूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में क्या बताया गया है, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। क्वेश्चन नंबर एट में बताया गया है आप हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ द योर हाउस। आप अपने घर के प्रत्येक हिस्से में, आप अपने घर के प्रत्येक हिस्से में एक दिन में कितना समय बिताते हैं, एक दिन में कितना समय बिताते हैं? इसका आंसर आ जाएगा ड्राइंग रूम 2 आवर्स, मतलब ड्राइंग रूम में 2 घंटे, डिनिंग रूम 2 आवर्स 2 घंटे, किचन, किचन मीन्स होता है रसोई, रसोई में आ जाएगा आधा घंटा, अध्ययन कक्ष स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष में आ जाएगा 4 आवर एंड बेडरूम, बेडरूम में आ जाएगा 8 आवर, टॉयलेट, टॉयलेट में आ जाएगा 1 आवर, 1.2 आवर, 1/2 आवर और बाथरूम, बाथरूम में आ जाएगा 1/2 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बताया गया है, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंट मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें बताया गया है क्या आपके इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम्स। क्या आपके घर का कोई हिस्सा ऐसा है जहां आपके परिवार का कोई खास सदस्य ज्यादा समय बिताता है, स्पेंड्स मोर टाइम ऑफ योर फैमिली, जहां आपके परिवार के सदस्य ज्यादा समय बिताते हैं? इसका आंसर आ जाएगा माई मदर स्पेंट मोर टाइम इन द किचन। मेरी माँ, माई मदर, मेरी माँ
रसोई में अधिक समय बिताती है। स्पेंट मोर टाइम इन द किचन, रसोई में अधिक टाइम बिताती है मेरी माँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है? इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर फैमिली मेंबर्स नेवर गोस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 बताया गया है, क्या आपके घर का, एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, क्या आपके घर का कोई हिस्सा ऐसा है जहां परिवार का कोई खास सदस्य कभी नहीं जाता? पार्टिकुलर फैमिली मेंबर्स नेवर गोस, जहां कभी नहीं जाता था, थोड़े समय के लिए जाता है, और गोस फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए जाता है, कभी नहीं जाता लेकिन थोड़े समय के लिए जाता है, गोस फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए जाता है। इसका आंसर आ जाएगा, माई फादर गोस टू द किचन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसका आंसर आ जाएगा, मेरे पिताजी बहुत कम समय के लिए रसोई में जाते हैं। बहुत ही बढ़िया आंसर इसका, माई फादर गोस टू द किचन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मेरे पिताजी बहुत कम समय के लिए किचन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है? डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ, क्या आप अपना घर साफ रखते हैं और कैसे, अगर रखते हैं तो कैसे? डू यू कीप योर हाउस, क्या आप अपना घर साफ रखते हैं, हाउ, कैसे? इसका आंसर आएगा, यस आई डू कीप माई हाउस क्लीन, मी क्लीन, वी क्लीन इट यूजिंग ब्रूमस्टिक एंड मोपर्स। हाँ, मैं अपने घर को साफ रखता हूँ, आई डू कीप माई हाउस, हाँ अपने घर को साफ रखता हूँ, वी क्लीन इट यूजिंग ब्रूम वर्क एंड मोपर्स, हम इसे ब्रूमस्टिक और मोपर का उपयोग करके साफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया गया है? हु आर हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है, आपके घर को साफ रखने में कौन मदद करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हु आर हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपके घर को साफ करने में कौन मदद करता है? आपके घर को साफ करने में कौन मदद करता है? इसका आंसर आ जाएगा, मेड माई मदर एनी माई फादर। ठीक है, नौकरानी, मेड मीन्स होता है नौकरानी, मेरी माँ और मेरे पिताजी और मेरे पापा मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया गया है? वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, आई गो टू द टॉयलेट, मैं शौचालय जाता हूँ, टॉयलेट मीन्स होता है शौचालय, आई गो टू द टॉयलेट, मैं शौचालय जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर पर कचरा कहाँ फेंकते हैं? आप अपने घर पर कचरा कहाँ फेंकते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, वी थ्रो इन द गार्बेज बिन। ठीक है, हम इसे कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं, वी थ्रो इन द गार्बेज बिन, हम इसे कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके घर के आसपास का क्षेत्र साफ है? इज द एरिया अराउंड द योर हाउस, क्या आपके घर का के आसपास का क्षेत्र साफ है? इसका आंसर आएगा, यस इट इज, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है, हाँ यही है।